हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है STLS और लैब टेक्नीशियन के आंसर के। तो फ्रेंड्स, NHM MP के द्वारा जो लिया गया था 2 नवंबर 2019 को, तो उसका आंसर के मैं आपके सामने अभी काफ़ी लेट हो गया फ्रेंड्स, 1 मंथ लेट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चंस और आंसर क्या क्या आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग ए डिकैल्सिफाइंग एजेंट, और जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स जेनकिन्स फ्लूड्स। तो फ्रेंड्स, नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो आप हिंदी को रीड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मर्क्यूरिक क्लोराइड्स कंटेनिंग ए फिक्सटेटिव्स, एंड राइट आंसर हेलिस फ्लूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, विच ऑफ फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, एंड राइट आंसर IgG। IgM जो IgG है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाए जाते हैं, और यही है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण तक पहुँचता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया, एंड राइट आंसर कॉरिनो बैक्टेरियम। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टेरियाज, एंड आवर राइट आंसर नंबर 4 इस्चीरिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टेरिया, अर्थात बैक्टीरिया को गतिशीलता के लिए फ्लेजेला की आवश्यकता होती है। राइट आंसर फ्लेजेला। विच ऑफ फॉलोइंग स्पेसिस ऑफ स्टेफिलोकोकस फरमेंट शुगर मैनिटॉल, एंड राइट आंसर फ्रेंड्स एस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड राइट आंसर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉसेस एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर मतलब जो टाइफाइड फीवर होता है उसके लिए फ्रेंड्स उसे एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में आंत्रशोथ भी ज्वर कहा जाता है, आंत्रशोथ ज्वर कहा जाता है। तो इसका कारण होता है साल्मोनेला टाइफी, जिसको एस टाइफी यहाँ नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद ए नाइट्रेट रिडक्शंस टेस्ट, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, अर्थात नाइट्रेट कमी परीक्षण टेस्ट जो होता है उसमें यह सकारात्मक रिजल्ट देता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज डीमेथाइलेमिनो बेंजाल्डिहाइड यूज्ड, राइट आंसर इंडोल टेस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोआगुलेज टेस्ट, एंड राइट आंसर कोआगुलेज द कोआगुलेज टेस्ट इज यूज टू डिफरेंटेटिव्स ए एस आर एस फ्रॉम एस एपिडर्मी डिस एपिडर्मिडिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच पैरासाइट इज द कॉसेटिव एजेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया, राइट आंसर जियार्डिया लैम्बिया। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूबोर काउंटिंग चेम्बर, जो न्यूबोर काउंटिंग चेम्बर है तो उसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स जो डायमीटर होता है वह चेम्बर 9 mm स्क्वायर एंड डेप्थ गहराई 0.1 mm होती है फ्रेंड्स। हाउ इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ टोटल WBC काउंट्स कैलकुलेट्स, एंड राइट आंसर NRBC अपॉन 100 WBC। विच ऑफ फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूड्स, एंड राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेलिन एंड डिस्टिल्ड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग एली सेल, एली सेल के लिए कौन सा
स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट नंबर आंसर दे अपीयर ए न्यूट्रोफिल्स कंटेनिंग ए लार्ज स्फेरिकल बॉडी इन इट्स साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड्स, एंड राइट आंसर राइबोज। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, राइट आंसर ग्लाइकोजेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड्स, अर्थात एमिनो अम्ल में संबंध में जो सही है वह एमिनो एसिड ओक्यूरिंग इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स में पाए जाने अमीनो अम्ल को अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनीज, एंड राइट आंसर सीरम ऑस्मोलैरिटी टेस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन केस ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस, एंड राइट आंसर सीरम बिलिरुबिन एंड यूरिन यूरोबिलिनोजेन विल बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा कथन पूर्व यकृति पांडुरोग या हेपेटिक जॉन्डिस के संदर्भ में है, तो इसका हिंदी में वही है फ्रेंड्स, रक्तोप या सीरम बिलिरुबिन और यूरिन यूरोबिलिनोजेन अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू इन केस ऑफ हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, एंड राइट आंसर सीरम टोटल बिलिरुबिन इज द 4 to 8 mg/dL, अर्थात जो सीरम टोटल बिलिरुबिन कुल बिलिरुबिन या पित्तवर्धक कुल रक्तिम पित्तवर्धक जो 4 to 8 mg हो जाता है तो वह यकृत कोशीय पांडुरोग या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स, राइट आंसर स्टेरॉइड्स। विच ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर द कार्डियक रिस्क इवैल्यूएशन टेस्ट, एंड राइट आंसर सीरम VLDL टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कार्डियक रिस्क इवेल्यूशन टेस्ट, तो इसका राइट आंसर है सीरम VLDL। VLDL टेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टेस्ट, VLDL का फुल फॉर्म होता है। हाई डेंसिटी हमारे लिए अच्छी बात होती है, लेकिन जो लो डेंसिटी होती है LDL जिसको कहते हैं, जिसको VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बहुत ही खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कार्डियक इंजरी पैनल टेस्ट, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स CPK टेस्ट। CPK टेस्ट का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जो टेस्ट होता है हृदय की इंजरी के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया फ्रेंड्स क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए एंजाइमेटिक प्रोसीजर फॉर ब्लड शुगर इस्टीमेशन, एंड राइट आंसर GOD POD मैथड। GOD मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पर ऑक्सीडेज मैथड होता है फ्रेंड्स, GOD का फुल फॉर्म होता है, एक बार और बता देता हूँ, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड POD मतलब पर ऑक्सीडेज मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मैथड्स इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ द सीरम क्रिएटिनिन, जिसका राइट आंसर है GFE रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिकॉर्डिंग द फ्री डिवाइल्ड इवोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग VLDL, इसका राइट आंसर है VLDL mg पर डेसिलीटर इक्वल टोटल TG अपॉन 5, इट इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन
कॉन्सेंट्रेशंस ड्रॉप बिलो द नॉर्मल लेवल इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस? राइट आंसर, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की सांद्रता सामान्य स्तर से कम हो जाती है। हाउ आर आरबीसी काउंटेड्स व्हेन यूजिंग द इम्प्रूव्ड न्यूबोर काउंटिंग चैम्बर? एंड राइट आंसर, इन द सेंट्रल स्क्वायर एरिया फोर कॉर्नर स्क्वायर्स एंड द सेंट्रल स्क्वायर आर काउंटेड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए पैक मैकिंग एंड काउंटिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट? मायोकार्डियम्स, जो हृदय की गति निर्धारक और संचालक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, उस मध्य स्तर को मायोकार्डियम कहते हैं। द पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज दैट परफॉर्म्स द एंडोक्राइन फंक्शंस इज आर कॉल्ड इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, प्रद्वीपिकाएं, जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मोटर फंक्शन ऑफ द ब्रेन? राइट आंसर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात मांसपेशियों में संकुचन। VDRL इज अ रीजनिंग टेस्ट फॉर एसिंग वेदर वन हैज़। एंड राइट आंसर, सिफिलिस, सिफिलिस टेस्ट के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च ऑफ लेबोरेटरीज। इन द आर ए टेस्ट, रिमोटोइड्स अर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स आर ए मीन्स रिमोटोइड्स अर्थराइटिस टेस्ट, द लेटेक्स पार्टिकल्स आर कोटेड विद द एंटीबॉडीज। राइट आंसर, IgG। विच टाइप ऑफ एलाइजा ऑफर्स ग्रेटर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिविटी? राइट आंसर, स्ट्रेप्टा विडिन बायोटिन एलाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स? एंड राइट आंसर, कॉर्नोई फ्लूइड्स। इलास्टिक फाइबर आर स्टैंड्स बाय? राइट आंसर, वरहोफ स्टैंड्स। नेक्स्ट, रैपिड सेक्शन कैन बी ऑप्टेन बाय माइक्रोटोम? राइट आंसर, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। माइक्रोटोम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिससे सेल का कटिंग किया जाता है, जिसे सेल कटिंग के जो होते हैं उसे माइक्रोटोम कहा जाता है। सेल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, उसे माइक्रोटोम्स कहते हैं। द हेफोर हिफर नाइफ इज यूज इन माइक्रोटोम्स? किस प्रकार के माइक्रोटोम में हिफर नाइफ का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर, रॉकिंग। द बॉडी विंग ट्विस्ट इन ए हेनिकल फैशन ऑफ इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया? राइट आंसर, स्पायरोकिट्स। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया हैज द शेप्स ऑफ क्रॉक स्क्रू? राइट आंसर, स्पाइरिलम। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग कल्चर्स इन द वाटरी एक्सट्रैक्ट ऑफ फैट फ्री माइंस्ड मीट एडेड्स? राइट आंसर, इनफ्यूजन ब्रॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन ऑक्यूलेट्स थ्रू द सेंटर ऑफ मीडियम विथ ए स्ट्रेट वायर एंड विथ ड्रॉ द वायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ इनऑक्यूलम टेक्निक इज यूज फॉर विच कल्चर मैथड्स? राइट आंसर, स्टेप कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, साइट्रेट्स वीपी यूरियाज एंड केसियन पॉजिटिव इज सीन इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया? तो फ्रेंड्स, वीवी का मतलब होता है वोकस प्रोस्केलर, जो बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए उपयोग होता है, और केसियन का होता है पोटेशियम
साइनाइड्स फॉर कार्बन और नाइट्रोजन के लिए होता है। ये दोनों का उपयोग जो बैक्टीरियाएँ होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर होते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वह है क्लेब्सिला। क्लेब्सिला जीवाणु को देखे जा सकते हैं वीपी और केसीएन। वीपी का फुल फॉर्म बताया अभी, वोगेस प्रोस्कोर एंड पोटेशियम साइनाइड्स, केसीएन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स आर ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सेल मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। राइट आंसर स्टेज टू। द एम्स ट्रांसपोर्ट्स मीडियम इज यूज टू प्रिजर्व द वियबिलिटी ऑफ एनएरोब्स सच एज बैक्टीरियाज। राइट आंसर नाइजीरिया गोनोरिया, जिससे एक गोनोरिया, जिसे हम गोनोरिया रोग कहते हैं, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन रोग होता है। नेक्स्ट, सीएएमपी टेस्ट गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। राइट आंसर स्ट्रेप्टोकोकस इजलेक्टिस। एंड कैम्प टेस्ट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, क्रिस्टी एक्टिसंस मंच पेटरसन। यह टेस्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एले इजेले टीए या फिर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, इसके लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्राम स्टेन स्मेयर सो ग्राम पॉजिटिव लैंसेट सेफ डिप्लोकोकाई विथ न्यूमरस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इन सी एस एफ सैंपल फॉर। राइट आंसर न्यूमोकोकाई। तो फ्रेंड्स, मेरे यहीं पार्ट वन समाप्त करता हूँ, पार्ट टू लेके जरूर आऊँगा सेकेंड वीडियो के साथ। इसके नीचे लिंक दे दूँगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हूँ, वहाँ आप जाके आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।